नमस्कार, मैं संजय श्रीवास्तव, सेल्फिश टॉगिस्ट में आपका स्वागत है। साहिल लुधियानवी साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है, तार से जो निकली है वो धुन सबने सुनी है, साज पे जो गुजरी है वो किस दिल को पता है। इसी तरह से हम लोग किताबें पढ़ते हैं और उन किताबों का मूवीज़ भी बन जाती हैं, किताबें बहुत पॉपुलर भी हो जाती हैं, मगर ऑथर्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। और सेल्फिश टॉकिज़ में हम लोगों का पर्पज़ यही है कि हम लोग ऑथर्स को सामने लाएं ताकि लोग उनकी किताबों के साथ साथ ऑथर्स के बारे में भी जान पाएं। और आज सेल्फिश टॉकिज़ में हमारे साथ हैं सोनाली सेमवाल जी, जिनकी पहली बुक अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, और आज हम लोग सोनाली जी से उसी किताब के ऊपर में बातचीत करेंगे और सोनाली जी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सोनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेल्फिश टॉकीज़ में। नमस्ते सर, थैंक यू आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरी किताब और मेरी जो जर्नी रही है इसके बारे में बातचीत करने। तो सोनाली जी, मैं आपकी किताब देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इसका, इनवोक जी, जर्नी फ्रॉम अ गर्ल टू अ गॉडेस। सो बेसिकली इनवोक का मतलब क्या होता है? इनवोक अगर आप इसमें देखें, जब आप इसकी स्पेलिंग भी पढ़ें, तो जो इनवोक इंग्लिश वर्ड है उसमें डब्ल्यू के बजाय वी का इस्तेमाल किया जाता है। इनवोक का मतलब है कि जब आप कोई गॉडेस या गॉडली डेटी फिगर को आप इनवाइट करते हैं आपकी प्रेयर या वर्शिप से, तो ये वर्ड वहाँ से आता है। पर मैंने वहाँ वी को रिप्लेस कर दिया है डब्ल्यू से, क्योंकि अगर आप देखें उसका जो दूसरा भाग है वोक, जो आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज है, उसमें वोक का मतलब है कि आप कितने इवॉल्व्ड हैं, आप कितना आप में अवेयरनेस है काफ़ी चीज़ों को लेके, तो जो यंग पॉपुलेशन है वो ये वर्ड यूज़ करती है वोक। और क्योंकि मेरी ये किताब की एक वाइडर ऑडियंस है, इसको 14 साल की बच्ची भी पढ़ सकती है और 20 साल की लड़की भी पढ़ सकती है, तो फिर मैंने ये नाम इस तरह से इसका डिसाइड किया। और आप जब हम बात करेंगे कि ये क्यों मैंने ये नाम रखा और क्या इसमें गॉडेस कनेक्शन है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। नहीं, आपने सही बात कहा, गॉडेस कनेक्शन, बिकॉज जब मैंने डब्ल्यू से स्पेलिंग इसकी देखी तो मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोच रहा था, मगर चूंकि आपने गॉडेस की बातचीत करी तो ये गॉडेस से क्या कनेक्शन है इसका, इनवोक का? तो ये थोड़ा सा मैं लंबी तरह से आपको ये बात समझाऊंगी कि मैं जो हमारा इंडियन कल्चर है, हिंदुइज्म है और माइथोलॉजी है, तो मैं उससे बहुत इंस्पायर मैंने अपने को किया है, मैं बहुत पढ़ती हूँ। और वहाँ जो शक्ति है, जो माँ शक्ति है, गॉडेस शक्ति है, और उनके अनेक रूप हैं, वो इतने एम्पावरिंग हैं कि अगर हमारे बच्चे, हमारी यूथ, हमारी लड़कियाँ, हमारी महिलाएं पढ़ें तो उनसे हमें बहुत सीख मिलती है, बहुत ज्ञान और फोर्स मिलती है। तो अलग अलग तरहों की रीडिंग, उसमें एक हिंदी साहित्य हुआ, हिंदी माइथोलॉजी हुआ, वहाँ से मेरा एक कनेक्शन और एफिनिटी गॉडेस के लिए बहुत यंग एज से बनी रही। तो एक छोटी सी ये बात है कि मैंने ये कहानी, ये किताब जो लिखी है पोएम्स, ये इसमें गॉडेस पार्टिकल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, इसको पढ़ने के बाद मैं एक्चुअली यही समझना चाह रहा था कि नॉर्मली लोगों की जो फर्स्ट बुक होती है जी, वो प्रोज फॉर्म में होती है, बिकॉज पोएम फॉर्म में लिखना अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये समझता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है। तो ये पोइट्री फॉर्म में लिखने का आपको आइडिया या इंस्पिरेशन कैसे मिला? तो ये कुछ ऐसा हुआ कि मैं अलग अलग तरीके के और जॉनर में लिखना मैंने शुरू किया। मैंने पहले औरतों पे, हाउसवाइफ्स पे, मैंने काफ़ी ब्लॉग्स लिखे। फिर क्योंकि मैं इतना हिंदुइज्म पे पढ़ रही थी, गॉडेसेस पे पढ़ रही थी, और इतना इंस्पायर हो गई गॉडेस शक्ति को लेके, तो मैंने जो फॉर्मेट ऑफ पोएट्री पहले अटेम्प्ट किया वो प्रोज फॉर्म में था। और वो करने के बाद, वो भी मेरी एक सेक्शन ऑफ राइटिंग्स है जो एक तरह से रेडी है, पर जब मैंने देखा कि यंग लोगों को, यंग बच्चियों तक ये बात कैसे ले जाई जाए, जो सरल हो, सिंपल हो, थोड़ा रिदमिक हो, तो मैंने उसको पोएट्री के फॉर्म में ये इस किताब के दौर पे अटेम्प्ट किया। और ये उसी का रिज़ल्ट है कि ये पोएट्री है और ये प्रोज नहीं है,
क्योंकि आप इसमें देखें तो जो बात कही गई है वो बहुत रिलेटेबल है, बहुत सरल है और एक लिरिकल इसमें टोन है. तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. बिकॉज इसको जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसे कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर एक किताब होती है जी. और चूंकि आप ये आपकी ये पहली किताब है तो ऐसे बिसाइड्स हिंदुइज्म या माइथोलॉजी या आपने गॉडेस के ऊपर में लेटली पढ़ा, क्या शुरुआत से ही आप इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड थी? कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी नहीं, मैं शुरू से नहीं ऐसे इंटरेस्टेड थी. हालांकि जैसे एक इंडियन हाउस होल्ड होता है, माता पिता आपको हर उस स्क्रिप्चर्स और रीडिंग के लिए इंक्लाइन करते हैं, तैयार करते हैं. तो मैं 10वीं या 12वीं में रही होंगी कि मैंने भागवत गीता पकड़ी और मैं आज भी पढ़ती हूँ, लेकिन कई चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, कई नहीं आती हैं. स्कूल के दौरान ही रामचरितमानस पे भी पापा मम्मी ने कहा कि आप पढ़ें, जानें, इनसे बहुत चीज़ें आप सीख सकते हैं. तो वो एक था कि हाँ, पेरेंट्स की तरफ से उन्होंने ऑफ़र किया कि आप ये चीज़ भी पढ़ें. पर आप बहुत इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि वेरी अर्ली ऑन इन स्कूल, मैं 7वीं या 8वीं में होगी, जब हम को इंट्रोड्यूस किए गए विलियम शेक्सपियर, तो बिल्कुल भी शुरुआत में रीडिंग को लेके गॉडेस वाला कोई ऐसा नहीं था शुरुआत. और एज यू लाइक इट हमने स्कूल में पढ़ा, एंड दैट इज़ व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग. वो राइटिंग जो बहुत, जिसमें ड्रामा है, बहुत मीनिंग है, बहुत ग्रेस है, बहुत थिएट्रिक्स है. और मैं इतना प्रेरित हो गई विलियम शेक्सपियर से कि उसके बाद उसी जॉनर की मैंने किताबें पढ़ी, कहानियाँ पढ़ी, पोएट्री पढ़ी, प्लेस पढ़े. तो धीरे धीरे करते वो जर्नी निकलते, जब हम अपने इंडियन हिंदुइज्म को देखते हैं तो वो भी देखा जाए तो ज़्यादातर वो स्टोरी टेलिंग है. जो स्पिरिचुअलिज्म की बात है वो आम जनता को कैसे समझ में आएगी, तो वो स्टोरीज ही हैं. और उसमें भी अपना ड्रामा है, ज्ञान है, ग्रेस है, खूबसूरती है. तो पर शुरुआत में शेक्सपियर का काफ़ी रोल रहा और आज भी अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स हैं. शेक्सपियर के बारे में अच्छी बात बताई, थोड़ा इसी को और गहरे से समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ. एंड फॉरगिव मी फॉर प्रोबिंग मी सो डीपली, बिकॉज आई स्टिल फील कि सब्जेक्ट हो हिंदुइज्म, गॉडेस हो, फेमिनिन या वुमेन एम्पावरमेंट की बातचीत हो और उसको पोएम फॉर्म में कहा जाए, सो ये बहुत डिफिकल्ट काम है जी. तो इसके लिए मैं समझना ये चाह रहा था कि शुरुआती दौर में जी. बहुत पहले की बात है, क्या आपके आसपास ऐसी कोई किताब लिखी गई हो? विलियम शेक्सपियर तो शायद ही ऑन अ पेडेस्टल, बट आसपास के ऐसे क्या इन्फ्लुएंसेस पड़े कि आपको पोइम फॉर्म का बुक लिखना पड़ा? ये कुछ ऐसा हुआ कि और ये किताब इस तरह से आई है लिखने में कि छोटे से, क्योंकि मैं काफ़ी इंस्पायर्ड थी माइथोलॉजी से और हमारे स्क्रिप्चर्स से, पर कहीं भी इस तरह की सिंपल शब्दों में लिखी गई ना कोई पोइट्री फॉर्म में या कोई और लिटरेचर है जो यूथ से कनेक्ट करती है, या यूथ भी ना कहें, आम जनता से कनेक्ट करती है, जो रिलेटेबल हो. और तो शुरुआत में मुझे कुछ ऐसी किताब नहीं मिली. और जब मैंने पहली बार लिखना शुरू किया तो मैं भी वही गलती कर रही थी. जब मैंने गॉडेस शक्ति पर लिखी है कई प्रोजेस, कई पोएट्री, वो बहुत सीरियस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके आती है, पर क्या वो मैसेज आम बच्चे, आम जनता समझ पाएगी? तो मुझे फिर वो टोन पकड़नी पड़ी इस बुक के थ्रू, जो हमारी आम घटनाएं हैं, हमारी ज़िंदगी में हो रही है डेली बेसिस पे, और उससे जनता रिलेट कर पाए, उससे हमारे रीडर्स रिलेट कर पाए. तो शुरुआत में मुझे कुछ इस तरह की किताब नहीं मिली और ये बस उसी की समझ और सोच है कि ये किताब निकल गया. यूथ वाला पॉइंट जो आपने सुनाली जी कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज इंडिया में एज यू ऑल नो कि इंडिया इज़ ए यंग कंट्री और उसमें काफ़ी यूथ है जो किताबों में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है.
मैंने तस्वीरें देखी थी न्यूज़पेपर में न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर की, जिसमें काफ़ी यंगस्टर्स थे जो बुक्स में इंटरेस्ट शो कर रहे थे। बट मैं ये क्वेश्चन आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जो हमारी थीम्स हैं वो तो काफ़ी पुरानी हैं, बट यूथ को उसके आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट बना करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड मैंने को लगा कि आपकी किताब के अंदर में वो चीज़ आई है कि वो आजकल की यूथ से रिलेट कर सकती है। बिल्कुल। और इस किताब के थ्रू आज की यूथ को आप कोई क्या खास मैसेज देना चाहती हैं या कोई खास चीज़ उनके साथ शेयर करना चाहती हैं, क्या पर्पस है इसको लिखने का? सर, मैसेज मेरा सिर्फ यूथ के लिए नहीं है, हालांकि ऑडियंस जो मेरी रीडर्स है, मैंने जब ये लिखी थी तो मैं यूथ भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी उन तक ये बात लेके जाना, बट ये हर महिला के लिए है, हर लेडी के लिए है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहू है, चाहे वो किसी की बीवी है, और ये उनके लिए भी है जो हमारे घरों में आदमी जो मैन फिगर है, ये उनके लिए भी है ताकि वो पढ़ें और जानें कि वो कैसे अपनी वाइफ, अपनी डॉटर, अपनी मदर, मदर इन लॉ को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। तो ये किताब जो लिखी गई है और इसका जो मैसेज है वो ये है कि क्योंकि मैं इंडिया में रही हूँ और मैं एक बहुत इंडियन हाउसहोल्ड में पढ़ी लिखी हूँ, तो आप इंडिया को देखें एज ए नेशन, इसमें 90% जो फीमेल पॉपुलेशन है वो हाउसवाइफ्स ही रही है। अब काफ़ी एजुकेशन और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं फीमेल्स को और वो बहुत आगे बढ़ रही हैं, पर लार्जली अभी भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडियन हाउसवाइफ्स की। तो अगर आप पकड़े हाउसवाइफ को, तो ये हाउसवाइफ क्या है और ये हाउसवाइफ कैसे बनी, ये हाउसवाइफ, और मैं इस पर इसलिए बताना चाहूँगी क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में इस किताब में ये बहुत कोशिश की है ये समझाने की मेरा मैसेज, कि हम अपने घरों में, हम अपने हाउसहोल्ड्स में अपने बच्चियों को हम शुरू से नहीं तैयार करते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर बने या वो कोई साइंटिस्ट बने या वो इन्वेंशंस में जाए या वो स्पोर्ट्स में आगे आए। हम लोग शुरू से ही उनकी उनका माइंडसेट और उनकी प्रेपरेशन इस तरह से करते हैं कि कल वो एक अच्छी माँ बने, किसी की अच्छी बीवी बने, किसी की परिवार में जाए तो वहाँ अच्छी बहू बने। तो मेरी जैसी अपब्रिंगिंग रही है, चाहे मेरा हाउसहोल्ड बहुत मॉडर्न रहा हो, काफ़ी पढ़ा लिखा रहा हो, पर ज़्यादातर सोसाइटी में और मेरे खुद के परिवार में मैंने ये देखा कि हम लोग कई बातें जानबूझ के और कुछ अनजाने में ऐसे कर देते हैं कि हम लोग ये ध्यान नहीं देते कि हम अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं, फियरलेस नहीं बना रहे हैं, हम उनको जो बना रहे हैं वो एक हाउसवाइफ ही बना रहे हैं। तो और एक सेगमेंट इसका ये हाउसवाइफ्स को लेके है, और दूसरा है कि अब ये गॉडेस एंगल कहाँ से आया। तो ये जो गॉडेस पार्टिकल की मैंने इसमें बात करी वो ये है कि एक इंडियन हाउसहोल्ड क्या करता है, एक इंडियन हाउसहोल्ड मंदिरों में जाके, घरों में, पूजाओं में हाथ जोड़ के मंदिर के सामने देवियों की पूजा करता है, गॉडेस की पूजा करता है। और जब इंट्रोडक्शन में पढ़ें तो उसमें एक दो पंक्तियाँ ऐसी हैं कि मैंने लिखा है कि कई बार छोटे में और इवन नाउ मेरा इतना मन करता है कि जो लोग मंदिरों में हाथ जोड़ के खड़े हैं या मेरे खुद घर वाले हाथ जोड़ के खड़े हैं, मैं उनको बोलूं पलटो और मुझे देखिए, मुझ में अपनी गॉडेस को ढूंढिए। जो हम गॉडेस को ढूंढ रहे हैं मंदिरों में, क्योंकि देखा जाए तो दो ही एक्सट्रीम्स हैं, एक है इंसान, दूसरा है भगवान। तो इंसान हुआ ऑर्डिनरी और जो दूसरे भगवान देवता हुए वो गॉडली। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इस किताब में कि आप अपने भगवान को, अपनी देवी को, अपने गॉडेस को एक ऑर्डिनरी में ढूंढिए जो मोर रियल है, और इसको अपनी रियलिटी बनाइए। तो जो भी ये कविताएं लिखी हैं वो इसी तरह लिखी हैं, और ये हर महिला को, हर बच्ची को ये समझ में आएगी, ये उनकी कहानियाँ हैं, ये सिर्फ मेरी कहानियाँ नहीं हैं जो मैंने मैं 42 इयर्स की हूँ और मैं अलग अलग, मुझे मौके मिले कि मैं अलग शहरों में जाके पढ़ूँ, वहाँ नौकरी करूँ, या इंडिया से बाहर जाके भी मैंने काफ़ी कल्चर्स को देखा, तो मैंने ये समझा कि क्या बेहतर हम कर सकते हैं अपनी फीमेल फोर्स को, अपनी बच्चियों को तैयार करने में। तो ये वही है किताब
कुछ और इसका यही मैसेज है कि अपनी गॉडेसेस को मंदिरों में मत ढूंढिए, अब जमाना बदल गया है, आप पलटें और गॉडेसेस को हम में देखिए और इस ऑर्डिनरी को ही रियलिटी बनाइए। सो वेरी वेरी सैड, बिकॉज हम लोग भी अपने घर में ये बातचीत करते हैं कि पुराने ज़माने में कहा करते थे कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। आज के ज़माने में ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि विद एवरी एम्पावर्ड वुमन देयर इज अ मैन। एक चीज़ मैं सोच रहा था सुनाली जी कि व्हेन वी टेक अ स्टैंड इन लाइफ, सो या तो हमारे ऊपर ऐसे एक्सपीरियंसेस होते दैट वी टेक दैट स्टैंड, या हम उसके बारे में पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं और फिर उसके ऊपर में एक स्टैंड लेते हैं, या हमने अपने आसपास के इकोसिस्टम में ऐसा कुछ देखा हो जिसके थ्रू हम वो स्टैंड ले सकते हैं। और भी वजह होंगी, दो तीन इस वक्त मुझे ये याद आ रही है। तो आपकी जर्नी में जो आपने कहा कि आपकी पहली बुक वुमेन एम्पावरमेंट पे और आप इतनी स्ट्रांग बातें इसमें कह रही हैं, इतनी पावरफुली कह रही हैं और इतने बिलीफ के साथ कह रही हैं, सो व्हाट डू यू थिंक, आपकी पेरेंटिंग से ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है या आपके खुद के एक्सपीरियंस से फ़र्क पड़ रहा है या बीइंग अ होममेकर आपकी होममेकर लाइफ से फ़र्क पड़ रहा है? बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा और मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, तो जैसे एक आम हाउसहोल्ड फैमिली में होता है कि फादर काफ़ी बढ़ावा देता है बच्ची को, तो वैसे ही मेरे फादर रहे। वो ऐसी ऐसी किताबें मुझे उस उम्र में, यंग एज में और यंग माइंड जो इतना इवॉल्व नहीं है इस तरह की किताबें या लिटरेचर को समझने के लिए, तो वो किताबें मुझे जब मैं स्कूल में थी गिफ्ट किया करते थे, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, फिर सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल या हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो इस तरह की उनकी और मेरी एक केमिस्ट्री थी और हम बहुत बड़ी बातों पे डिस्कस करते थे और कभी भी कोई डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन ऐसी नहीं होती थी कि खाना सही नहीं है या आज अच्छा नहीं बना या मैं थका हुआ हूँ या ये होती थी। पापा हमेशा क्विज करते थे और वो लाना चाहते थे दिमाग में एक सोचने की काबिलियत कि इंसान को हमेशा थिंक करना चाहिए और थिंकिंग अगर कल्टीवेट होगी तो एक्शन भी कल्टीवेट हो जाएगा। तो एक थे हमारे पापा और कॉन्ट्रास्ट में थी मम्मी, जो अब चाहे सोसाइटी का डर कहें या उनकी खुद की जैसी अपब्रिंगिंग रही है, जो सोच समझ रही है, और माँ की अपने कई डर होते हैं, तो एक तरह से एक बाउंड्री डालने का काम किया गया कि यहाँ मत जाओ या ये काम तुम नहीं कर सकती हो और ये तुम्हारे लिए नहीं है, या ऐसी कई चीज़ें जो होती ही हैं गर्ल चाइल्ड के साथ। और जैसे मैं बड़ी होती रही, मैंने देखा कि मेरा जो एटीट्यूड है या मेरी जो मेक है, जो मेरी पर्सनालिटी है, वो बहुत फियरलेस है। मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत स्पोर्टी भी हूँ और मुझे वो काम करना है जो और जनता नहीं कर रही है। हमारे परिवार में काफ़ी हार्डशिप्स रही लेकिन उनमें भी हम हमेशा मुस्कुराते रहे और पापा ने हमेशा ये कल्टिवेट किया कि तुम हर काम कर सकती हो। पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं चाहे वो मेरी जॉब थी या शादी हुई या बच्चे हुए, बहुत चीज़ें इंसान सैक्रिफाइस कर देता है, तो मुझे ये लगता है कि मैंने कई अपॉर्चुनिटीज़ खो दी और जो मैं जिसमें एक्सेल कर सकती थी या मैं अच्छा कर सकती थी, और वो भी ना सही तो एक अटेम्प्ट तो मैं कर ही सकती थी। तो अब मुझे ये लगता है, और इन कविताओं में भी मैंने यही बताया है कि एक पेरेंटिंग का कितना बड़ा रोल है, और एज मदर हों या फादर हों, हम चाहे वो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन हो, चाहे वो कोई भी बात हो जो उनसे निकली हुई हो, वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि कोई दीवार खड़ी कर दे, कोई बाउंड्री खड़ी कर दे और कोई रोक लगा दे किसी की सोच में। तो ये मेरी फैमिली का पोर्ट्रेल है जो बहुत कॉन्ट्रास्ट है मदर और फादर का, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रहा मेरे जीवन में। जब मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था सोनाली जी, तो आपने वो पॉइंट्स खुद ही बोल दिए कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही फियरलेस पर्सनालिटी है, थोड़ा आप बाउंड्रीज के बाहर भी जा करके काम करना चाहती हैं। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि आपको मोटरसाइकिल्स का बड़ा शौक, तो ये मोटरसाइकिल वाला एंगल क्या है? तो ये
कुछ ऐसे हुआ कि मैं कुछ 18 या 19 साल की थी और उस वक्त मेरे माँ बाप चंडीगढ़ में थे और कॉलेज के लिए मैं औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है वहाँ जाके एडमिशन लिया। वहाँ हमारी जो फैमिली है, जो मेरे ग्रैंडफादर्स हैं और चाचा ताए, वो वहाँ रहते थे, तो माँ बाप ने भी कहा कि ठीक है चलो भेजना सेफ रहेगा। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे दी गई थी स्कूटी, क्योंकि मैंने चंडीगढ़ में भी स्कूटी चलाई, पर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बाइक्स में आया। तो कभी ताऊ जी की हीरो होंडा लेके भाग जाया करते थे, चाहे वो दूध लेने के बहाने हो या सब्जी लेने के बहाने हो, और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि लड़के क्या कर रहे हैं और किस ढंग से कर रहे हैं। तो मुझ में हमेशा वो रहा कि अगर ये एक तरह का स्पोर्ट खेल रहे हैं तो मुझे भी वही खेलना है। मुझे जब कहा गया कि ये लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, तो अब उसको चाहे एक रिबेल कहें अपने अंदर, पर मैंने फिर वही काम किया। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप बाइक नहीं चला सकते हैं, तो मैंने कहा मैं चलाऊंगी, और मैं अब इस उम्र में भी तो बाइकिंग में दोबारा से आई हूँ। और जब मैं देखती हूँ एक बाइकिंग कम्युनिटी है यहाँ NCR में, और मेरी जैसी ही लाइक माइंडेड वीमेन हैं, कोई बैंकर है, कोई टीचर है, कोई होम मेकर है, कोई यंग मदर है, कोई स्टूडेंट है, तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है वीमेन राइडर्स की। और अगर आप उनकी कहानी पूछें सर, सबकी एक ही कहानी है कि अपने को डिस्कवर करना था, और अगर किसी का कॉन्फिडेंस खो गया या किसी की कोई डिप्रेशन में रहा, तो बाइकिंग से उनको वो कॉन्फिडेंस वापस मिला या उनको वो हैप्पीनेस वापस मिली। एक बाइक में आप बैठते हैं तो आपको बहुत लिबरेटेड फीलिंग होती है, और वो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप बाइक को देखें तो कोई बाइक औरतों के लिए नहीं बनी है, वो बनी ही आदमियों के लिए, तो वो टोटली मैन मशीन ही हुई। तो जब आप उस बाइक में चढ़ते हैं तभी आपको जवाब मिल जाता है कि आप कितना ऊपर आ गए हैं, खुद ही आपकी कितनी ग्रोथ हो गई है, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो वो क्या आपको वो बूस्ट नहीं देगी कॉन्फिडेंस की? आप जब बाइक चलाते हैं तो आपको हर राइड में आप खुद को ढूंढते हैं, बेहतर ढूंढते हैं, और वो राइड आपको कुछ नया दे देती है, एक चाहे वो नया स्किल हो, नया कॉन्फिडेंस हो, नई स्पिरिट हो, या कहीं आपको कोई ग्रिट मिल गई, उसमें पैशन मिल गया। तो ये सब औरतों को करना चाहिए, सब लड़कियों को करना चाहिए। हम क्यों उनको स्कूटी खरीदें और क्यों जो बाइकिंग इंडस्ट्री है वो सिर्फ मोटरसाइकिल्स आदमियों के लिए ही बना है? आई कुड सी इट, जब आप बाइकिंग बारे में बात कर रही थी, वो रियली वेरी पैशनेट, आप बड़े जोर शोर से उसके बारे में बात कर रही थी। औरंगाबाद तो काफ़ी साल पहले की बात रही होगी जब आपने स्कूटी चलाई होगी, और जी थोड़े बहुत स्टंट्स भी किए होंगे आपने उस ज़माने में, या हीरो होंडा जब लेके जाती रही होंगी, दूध लेने के बहाने ही सही, बट स्टंट्स रहे होंगे। तो जो आप बात कर रही थी कि बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो बाइकिंग थ्रू अपने आप को डिस्कवर कर रही हैं, बिल्कुल, आपने अपने आप को देखा जाए तो एक तरह से रीडिस्कवर किया है, जो एक्टिविटीज बाइकिंग आप छोड़ चुकी थी जी, आपने उसको दोबारा पिकअप किया, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली इसके पीछे आपको फैमिली में क्या सपोर्ट मिला, या लोगों ने कहा कि क्या करने जा रहे हो, क्या रिएक्शन था फैमिली का? बिल्कुल इसी तरह था सर, हस्बैंड ने कहा कि गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, मम्मी ने कहा गाड़ी खरीदो, बाइक कौन चलाता है, तो बस, और वो कहने की देर थी, हमने कहा हम वही चलाएंगे, बाइक ही चलाएंगे। तो फैमिली में डर, क्योंकि यही कॉमन होता है कि बाइक जो है बनी ही आदमियों के लिए है, आपसे हैंडल नहीं होगी, बाइक का एक सर्टन वेट होता है, औरतें नहीं उसको मैनेज कर पाएंगी, बाइक गिर गई तो कैसे उठाएंगी, और बाइक में चोटें भी काफ़ी लगती हैं, फिर रोड सेफ्टी का भी एक एंगल आता है। तो सब का अपना अपना डर था, चाहे वो मेरे हस्बैंड थे, चाहे मेरे माँ बाप हैं, चाहे मेरी बच्चियाँ हैं, पर डर के अलावा और कुछ नहीं, कोई रोक नहीं थी। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया जब मैंने उनको बोला कि मुझे करना है, और दोबारा से मुझे बाइक, अपनी बाइकिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट करनी है, और किसी ने कोई रोक नहीं डाली, सबके अपने अपने डर थे, पर कभी किसी ने कोई मना नहीं किया, फुल सपोर्ट। और हम लोग छोटी मोटी राइड्स पे जाते हैं, तो जब मैं राइड पे जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, बच्चों को देखते हैं, घर मैनेज करते हैं। इनफैक्ट आने वाली जो इस साल में काफ़ी राइड्स हैं,
उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया, हेल्प किया, सपोर्ट किया है कि बिल्कुल जाओ. तो यही मुझे कहना है कि सब एक बार आप किसी अब मन बना लेते हैं तब मेरे ख्याल से आपको ना कोई रोक सकता है और कोई रोकना भी नहीं चाहेगा. तो यही इसी तरह का मुझे सपोर्ट मिला है. तो ये जो आपका रेबेलियस नेचर सो टू जी अगर कहा जाए एक तरीके से, तो क्या आप अपनी बच्चियों में भी ये देखना चाहेंगी रेबेलियस नेचर, या उनको एज अ रोल मॉडल आप कॉन्फिडेंस देंगी कि आप अपनी बाउंड्रीज खुद तय कर सकते हो या उनके बाहर जा सकते हो? तो मेरी यही कोशिश है, मेरी जो भी जर्नीज या सक्सेसेस हैं छोटे मोटे, चाहे वो बाइकिंग को लेके है, मैं आती हूँ और अपनी मेरी दो बेटियाँ हैं और मैं उनके साथ शेयर करती हूँ ताकि उनको ये दिखे कि मैं इस उम्र में ये काम कर सकती हूँ. और मुझसे काफ़ी बड़ी उम्र की भी औरतें हैं जो बाइकिंग में हैं या और तरीके के स्पोर्ट कर रही हैं. तो कोई किसी के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई एज इज़ नॉट द फैक्टर और जेंडर इज़ ऑल्सो नॉट द फैक्टर. हर कोई कुछ कर सकता है. तो बिल्कुल जब वो मुझे देखेंगे दोनों बच्चियाँ तो वो अपने आप ही जानेंगे, कल उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आम सी बात है एक इंसान संकोच करता है, एक डर आता है कि क्या ये मैं कर पाऊँगी. जब तो कहीं ना कहीं उनको ये आवाज़ आएगी कि हाँ तुम्हारी माँ ने कई चीज़ें इस तरह करी हैं और उनको भी डर लगा होगा, तो अटेम्प्ट ज़रूर करें. और मेरी मम्मी भी हमेशा कहती थी कि ट्राई करो, डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्या होगा. तो आई थिंक जब मेरे को देखते हैं वो मेरे बच्चे, तो चाहे वो बाइकिंग हो या और भी जो मैंने काम फ्यूचर पास्ट में किए हैं, तो उसमें कोई ना कोई सीख छुपी है. और यही जो प्रैक्टिस है, अगर हाउस होल्ड्स में हर माँ, हर बहू, हर बेटी ये प्रैक्टिस कर पाए, तो वही चीज़ वो आगे की जो आने वाली जनरेशन्स है उनको एज गिफ्ट, एज ब्लेसिंग दे सकती हैं. तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि आपके बच्चे आपसे जानें कि एम्पावरमेंट कैसे प्रैक्टिस की जाती है. और उनसे ये डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको अपनी छोटी छोटी सक्सेसेस में शामिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बताएं और सेलिब्रेट करें कि मैंने ये किया और इसको करके मुझे, चाहे मेरी ये हर्डल्स रहे या चैलेंजेस रहे, पर मैं यहाँ पहुँची हूँ और ये मेरे लिए क्यों मायने रखता है. तो और ये मेरी बेटियाँ देखती हैं और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि वो जो भी करें अपने करियर में, अपने एकेडमिक जर्नी में, उनको इसमें एक अच्छी सीख ज़रूर मिलेगी. बट हाँ, जब भी मैंने बाइकिंग गियर पहना हो, चाहे हेलमेट पहना हो, तो वो एक नया दृश्य था मेरी बच्चियों के लिए, खासतौर से छोटी वाली जो सिर्फ क्लास सिक्स में है. तो चाहे वो हंसी थी या मम्मी ये हेलमेट आप पे नहीं सूट कर रहा है, क्या है आप गाड़ी चलाएं, तो शुरू में वो सब चीज़ें ज़रूर रही. और जब उन्होंने देखा, मैं अपने जब जाती हूँ बाइकिंग के लिए, फिर वहाँ वीडियोज़ वगैरह हम शूट करते हैं, पूरा ग्रुप जाता है औरतों का, तो जब मैं उनके दिखाती हूँ, वो वीडियोज़ दिखाती हूँ, मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन किस तरह से जो लेडीज़ हैं वो बाइकर्स हैं, तो अब वो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को. शुरू में ज़रूर इंसिडेंट तो कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है मुझे, बट ये ज़रूर है कि जब पहली बार मैंने न्यूज़ ब्रेक करी तो थोड़ा कहीं हंसी थी, कहीं थोड़ी शर्म थी. मुझे याद है छोटी बच्ची ने कहा कि मम्मी आप एम्बैरस कर रहे हो हमको बाइक चला के. पर यही मेरे को अभी याद आ रहा है. सो बहुत से लोग एक स्लॉट में रख देते हैं वेमेन को कि अगर ये वर्किंग वेमेन हैं तो ये कुछ कर पाएंगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगी, या वो होम मेकर हैं तो वो कुछ कर पाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी. और एक लाइन आपकी किताब की मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर, Why I talk for my women is because I don't like what they talk about her. तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि what they talk about her और how they talk about her. जो vocabulary है around women, आपको उससे परहेज है या किस तरीके से बात की जाती है women के बारे में उससे? सर ये what भी है, ये how भी है और ये why भी है. आप देखें कि वॉट दे टॉक अबाउट वीमेन, ये कमज़ोर है, ये मतलब कॉम्प्लेक्शन पे बात करेंगे या वेट पे बात करेंगे या किसी की काबिलियत किसी चीज़ के लिए नहीं है उसके बारे में बात करेंगे. वाई, क्यों बात करेंगे,
और कहाँ कहाँ बात करेंगे, तो वो चाहे आप स्कूल्स में देखें, चाहे आप घरों में देखें, चाहे आप ऑफिसेज में देखें, चाहे आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में देखें, औरतों के लिए एक आम जजमेंट सबका बना रहता है। और इसीलिए मैंने ये लिखा है, अगर आप पूरी कविता पढ़ें, कि मेरे जैसे लोग आकर, और फेमिनिज्म यही हुआ कि आप बताएं कि फीमेल पावर क्या क्या कर सकती है, और सब कुछ कर सकती है। कभी किसी आदमी को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई भी फोरम में आप देखेंगे जहाँ बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आके बात करी है, कोई आदमी को बताने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या किसी आदमी के बारे में कोई बात होगी तो इन चीज़ों पर बात ही नहीं होगी। हम आम तौर से जब किसी भी से मिलते हैं, और चाहे सोशल गैदरिंग में मिलते हैं या घरों में मिलते हैं, आप चाहे वो ज़बान तक ना लाएं, आपने आपके दिमाग में सोच लिया है कि ये ऐसी है या ये ऐसा नहीं कर सकती है, या ये जो कर रही है वो ठीक नहीं है। तो ऐसा ही है, और यही हकीकत है, यही सच्चाई है काफ़ी देशों की, काफ़ी पॉपुलेशंस की, काफ़ी सोसाइटीज़ की। और इसलिए मेरी ये कविता ये कह रही है कि मैं, मुझे जो भी मंच मिले, मुझे जो भी मौका मिले, मैं अपने बारे में अच्छा बताऊं, मैं अच्छा काम करूं, और मैं अपनी जो मेरी साथ की महिलाएं हैं, फ्रेंड्स हैं, बच्चे लड़कियां हैं, उनकी हर बात, और मेरे ख्याल से उनकी हर बात ही उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी अच्छाई है, वो चर्चा में आनी चाहिए और वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है कि आई डोंट लाइक व्हाट दे टॉक अबाउट वुमेन, एंड दैट इज़ वाई आई हैव चोजन, और वो पोएम उस तरह से जाती है। तो आप पूरी किताब में देखेंगे तो मेरे शब्द यही हैं, मेरी प्रोटेस्ट और मेरी पोएट्री का यही एजेंडा है। तो इसमें दो तीन चीज़ें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। एक जगह लिखा है आई सी माई सेल्फ अ गॉडेस, और एक जगह लिखा है आपने आई एम जस्ट अ पोएट। इसके थ्रू आप मैसेज क्या देना चाहती हैं? तो वो मैं इसलिए कह रही हूँ, और मेरी जैसी कई महिलाएं इसलिए कह रही हैं, कि आप नवरात्रि हो या कोई त्यौहार हो, आप गॉडेसेस को इतना वर्शिप कर रहे हैं, इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, और महिलाएं जो इंडिया के हाउसहोल्ड्स हैं, जो फैमिलीज हैं, उसमें कई महिलाओं को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई बढ़ावा नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, कई तरह के चैलेंजेस हैं, तो इतना कॉन्ट्रास्ट क्यों? घर में जो फीमेल हैं, जिस किसी भी रोल में है, चाहे वो बेटी है, बहू है, बीवी है, आप उनको नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो कविता है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसमें ये कह रहे हैं कि मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, मैं आपको ये मौका दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो गॉडेस आप ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूँ। तो दैट इज़ वाई द लाइन्स गो दैट फाइंड योर डिवाइन इन मी, आई एम द ऑर्डिनरी। बाकी आपने जो जिक्र किया है आई एम जस्ट अ पोएट, वो कविता को जब आप पढ़ेंगे तो उस कविता में काफ़ी स्टैंजाज हैं अलग अलग, जिसमें वो अलग अलग कहानी बता रही है। और वो दृष्टि इस तरह से है कि एक बच्ची है जो फुटबॉल खेलना चाह रही है, जो वो सॉक्स पहन के और फुटबॉल शूज़ पहन के ग्राउंड में, और ये मेरी ही कहानी है, ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मुझे लड़कियों के गेम में और गुड़िया गुड़ियों में कभी कोई मज़ा नहीं आया, मुझे वो गेम नहीं लगे, मुझे वो लड़के ग्राउंड में जो खेलते थे, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, मेरा ध्यान, मेरा दिमाग, मेरा दिल वहीं रहता था कि मैं वही जूते पहनूं, मैं वैसी ही शॉर्ट्स पहनूं, मैं वैसी ही जर्सी पहनूं और मैं उनके साथ खेलूं। तो जो आई एम पोएट में वो लाइंस हैं वो ये हैं कि एक कहानी एक बच्ची की है जो ये करना चाहती है, पर उसकी दादी हो या नानी हो या पापा हो उसको मना करते हैं अपने अंदाज और ढंग से। तो ये उसका दर्द है, ये उसकी दुख है। फिर उसी कविता में आप जाएं तो उसमें कहानी है एक लड़की की, कि वो अपने घर की चौखट तक ही रह जाती है, जबकि उसी घर के लड़के जो है बड़े बड़े स्कूल में जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज में जा रहे हैं, और वो, और ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत इवॉल्व हो गया, ये नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है। जो जितना आप इंडिया में प्रगति देख रहे हैं, जितना आप अवेयरनेस देख रहे हैं, जितनी एजुकेटेड और लिटरेट दुनिया हमारी इंडिया हो रही है, वो बहुत एक छोटी पॉपुलेशन है, छोटी परसेंटेज है। तो अभी भी ये हो रहा है, तो वो इसी पोएम में है। और फिर जब पोएम ख़त्म होती है, उसकी जो एंडिंग है वो इस तरह से है कि मैं सिर्फ एक पोएट हूँ
और मैं इन सब बच्चियों की या सिर्फ औरतों की कहानी ही लेके आपको आ सकती हूँ और इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती कुछ। तो ये इसका ये पेज पे लिखा हुआ, अगर आप कुछ पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ सकती हैं। बिल्कुल सर। तो ये लिखा है, आई एम राइटिंग दीज वर्ड्स एज अ पोएट एंड ऑन आई कैन गो अबाउट। देर आर स्टोरीज फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड दैट कम टू मी स्पीकिंग देयर सॉरोज। आई एम जस्ट अ पोएट बट सीम्स आई हैव फिल्ड दीज पेजेस विद नॉट प्रिंट इंक बट हर सोल। It won't be an exaggeration to say my words tire, but her calls only intensify, arriving from countries, cultures, generations. She is 9 or 3 or 50. She is you, her, and me. I'm just a poet, but you can come to me too, as she did, with your own same story. Thank you very much, Sonali ji. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आईं और आपने इतनी डिटेल्स में हम लोगों से बातचीत किया। और जिन टॉपिक पे लोग अक्सर बात नहीं करना चाहते हैं उन बातों पे भी आपने बड़े ही खुल के बोला और बहुत अच्छी आपने किताब लिखी है। वी विश यू ऑल द सक्सेस विद दिस बुक। हम चाहते हैं कि आप इस तरह की बुक और लेकर के आएँ। और इनवोक जर्नी फ्रॉम a girl to a goddess जी। May you continue to evolve in this journey and aap sab logon se nivedan hai ki aap sab log is book ko padhe aur iske upar mein jo girl to a goddess ki journey hai us pe apne comments hamare sath share kare aur hamare selfish talkies ko subscribe karna aur comment dena bilkul na bhule। thank you very much।